श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध 52वां अध्याय द्वारिका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्गं कृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्रामगुहामुखात् सवीक्ष्य क्षुल्लकान्मर्त्यान् पशून्वीरुद्वनस्पतीन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगामदिशमूतराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकुनंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्तियों से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बदरिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारिका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आधमका। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाट्य करते हुए वह सबका सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं,
तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान नहीं था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवरसन पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवरसन नाम इसलिए पड़ा था कि वहां सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता नहीं चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवरसन पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन अर्थात 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिकों ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारिकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंध में कह चुका हूँ कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुण ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध सालव आदि नरपतियों को जीत कर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मभर से भगवान श्री कृष्ण की लीला के संबंध में क्या कहना है। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली है। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त नहीं हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी।
जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पराक्रम गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं, वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था, उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गईं। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुंचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे। ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं है होती? ब्राह्मण, यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना? जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है,
वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा कि त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक-एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आपके आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुलशील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी? इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहां पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन प्राणवल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूं, आपकी हूं। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त कुआं बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणि ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभो, आप अजित हैं, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणि ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं?
तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूं। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूं। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। हरि शरणम श्री कृष्णार्पणमस्तु।